This Lalan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ऑफलाइन गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। सुपरस्टार रजनीकांत को इंडिया के सबसे बड़े फिल्मी सम्मान यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज सुबह इस बात की अनाउंसमेंट सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। रजनीकांत को ये सम्मान 2019 के लिए दिया जा रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से दादा साहेब अवार्ड का आयोजन टाल दिया गया था। हालांकि आज प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी, साथ ही ट्वीट भी किया। अनाउंस करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि साल 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा के इतिहास के महान एक्टर्स में से एक रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। एक प्रोड्यूसर, एक्टर और स्क्रीन राइटर के तौर पर उनका योगदान अनमोल रहा है। मैं जूरी के सदस्यों आशा भोसले, सुभाष खरी, मोहनलाल, शंकर महादेवन और बिस्वजीत चैटर्जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। रजनीकांत तमिल सिनेमा में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इसी 6 अप्रैल से तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन भी हैं। जाहिर है इस अवार्ड अनाउंसमेंट को भी राजनीति से जोड़कर देखा जाना था और ऐसा हुआ भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया कि क्या तमिलनाडु में चुनाव के कारण रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। इस सवाल पर मंत्री जी भड़क गए, कहा कि सही सवाल पूछा कीजिए। प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि ये सीने जगत से जुड़ा अवार्ड है। बताया कि 5 लोगों की जूरी ने सामूहिक रूप से रजनीकांत के नाम का फैसला किया। आगे पूछा कि इसमें राजनीति कहां से आ गई, सवाल सही पूछा कीजिए। बता दें कि इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर ने रजनीकांत के फिल्म जगत में किए योगदान की चर्चा की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जूरी ने रजनीकांत को देने का फैसला किया है। इस 5 लोगों की जूरी में आशा भोसले और शंकर महादेवन जैसे सिंगर्स, मोहनलाल और बिस्वजीत चैटर्जी जैसे एक्टर्स और डायरेक्टर, सुभाष कई शामिल हैं। बता दें कि पिछले दिनों रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने की घोषणा की थी। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अन्य बड़े लीडर से बातचीत भी की थी। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति में आने के अपने प्लान को टाल दिया था। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथ यमन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे दी लल्लन टॉप पर।